मैं एक बार आपका फिर से दोपहर फूड में एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जिसका बनाने का तरीका बड़ा ही डिफरेंट है। बने रहे हमारी वीडियो पे शुरू से लेके आखिर तक। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। 1 किलो टमाटर का पेस्ट, जिसको मिक्सर में बना के हमने तैयार कर लिया था। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, नमक 1 टेबल स्पून, चिल्ली फ्लेक 1 टेबल स्पून, देसी घी 2 टेबल स्पून, वाइट पेपर पाउडर 2 टेबल स्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, कूटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, ओरिगेनो 1 टेबल स्पून, इसको स्किप भी कर सकते हो आप, वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, इससे इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, और चीनी तकरीबन 100 ग्राम, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये लिया एक पैन। अब सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे और उसमें ऐड करेंगे जो देसी घी लिया था हमने। देसी घी में इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। अब घी हमारा अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, सबसे पहले ऐड करेंगे चिल्ली फ्लेक, ओरिगेनो, वाइट पेपर पाउडर, नमक, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, वाइट विनेगर, ये बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, जब तक कि मसाले का कच्चापन नहीं जाए। अब ऐड करेंगे टमाटर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए। अब टमाटर पेस्ट के साथ ऐड किया है चीनी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और साथ में इसको हिलाते भी रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी ये लिंक शेयर कीजिए। और भी डिफरेंट टाइप की चटनियों की रेसिपी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी चेक करके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो हमारे। और दोस्तों, पकाने से ये फ़ायदा होगा कि आप इसको लंबा टाइम 1.5 से 2 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए हमारी चटनी बन के रेडी है। बीच बीच में आप पैन का कवर ओपन करके देखते रहिए कि चटनी पेंदे में चिपके नहीं। और अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आपको लगे कि नमक या चीनी कम है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये देखिए हमारी चटनी रेडी है। आप इसको पिज़्ज़ा, पास्ता, दही, वड़ा, भजिया, रायता किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपके कोई नई फरमाइश, अगर कुछ कहना है तो हम वहाँ पे आपका रिप्लाई देंगे। अब हमारी चटनी तैयार है बनके बिल्कुल। आप इसको कोई भी एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अब फ्लेम बंद कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। और भी नई नई रेसिपी की लेके आते रहेंगे हम। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।